हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा जी भाई पंजाबी दाल मीट या दाल गोश्त बोल लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये जो देख रहे हैं जी मटन है जो कि 1 किलो है, ये जी दाल है चने की दाल है जो करीब 200 ग्राम है जो कि मैंने अभी आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। तो इसको और इसको अलग अलग पकाना है। तो जी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, कुकर मैंने लगा दिया जी, डाल दिया जी तेल, ठीक है जी, करीब 10 टेबल स्पून। तो जी तेल गर्म हो चुका हुआ है, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे जी मटन भाई सारे का सारा और लगे हाथ डालेंगे जी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है जी। बस लगे हाथ डालेंगे जी नमक, ठीक है भाई, नमक ध्यान से क्योंकि हमको हर इंटरवल पे नमक डालते रहना है, ठीक है ना। तो अब इस मीट को आप करीब 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने दें। तो दोस्तों करीब 5-6 मिनट हो गए जी, ठीक है। तो काफी पानी छोड़ दिया मीट ने, तो यानी मैं इसमें अब पानी नहीं डालने वाला, मैं इसी के पानी में इसको गलाने वाला हूँ, ठीक है जी। अब करना क्या, करना कुछ नहीं है जी, कर दो जी बंद। मैं दे रहा हूँ जी 2 सीटियां फुल पे, बाकी 10 मिनट में इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगा। तो जी जब तक अपना मीट गलता है, मेरा नहीं बकरे का मीट गलता है, तब तक नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी कुकर में लगा दीजिए दूसरे वाला भी, इसमें डालो जी तेल, इसमें ज्यादा तेल नहीं, केवल 5 से 6 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं डालना, ठीक है जी। डाल दो जी, तो इसको गर्म होने को है। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो गया जी, इसमें डाल रहा हूँ जी मैं आधा चम्मच हींग, 2 से 3 लौंग, दो गे रखेंगे तीन गे, कुछ करने। तो जी इन्हें प्रॉपरली मिला मुलू लो। तो जी सोंगी सोंगी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है जी, ठीक है जी। अब मैं डाल रहा हूँ जी विद पानी सारे की सारी दाल। तो जी इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भाई हल्दी, यानी कि हेल्दी, ठीक है जी। तो जी मिला मुलू लो। अब एक उबाल का वेट तो कर लो। तो जी हल्की फुल्की उबलाना स्टार्ट हो चुकी है, इसमें भी मैं थोड़ा नमक ऐड करता हूँ, थोड़ा सा, ध्यान रहे हर एक इंटरवल पर नमक मैं ऐड करना है उसी हिसाब से। तो जी मिला मुलू लो चंगी तरह से। अब करना क्या जी, करना कुछ नहीं है, ढक्कन कर दो बंद, इसे भी हमने गलाना है। तो मैं तो उसको हाई फ्लेम पे 3 सीटियां देके गला दूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। तो आओ जी पहले चेक करते हैं मीट हमारा गला है या नो गला है। और कितना गला भाई, 2 मक्खन को आया, ओ मक्खन है मक्खन, ठीक है जी। तो देखते दाल गली है नो गली है। मक्खन है जी मक्खन है। तो करते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई फिर से लगा दी हमने, लगा दी कढ़ाई, ठीक है जी। इसमें डाल रहा हूँ जी मैं करीब 10 टेबल स्पून भाई मस्टर्ड का तेल, ठीक है जी, ध्यान रहे। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो चुका है जी, भाई कड़छी टिका दो कहीं मसाले जल जुल ना जाए भाई। 4 लौंग, 4 ही है ना, वो 5 लेंगे, कुछ चक्कर नहीं है। 1 दालचीनी भाई, ये देख रहे हो क्या है, 2 बड़ी इलायचियां और 4 छोटी इलायचियां, इलायचियां कूट कूट के डाल दो जी। तो इनको इज्जत से भाई यहां लेकर आओ, ठीक है, जहां रहे मसाले जलने नहीं चाहिए वरना पंगा पड़ सकता है। 1 तेज पत्ता भी डाल दो इज्जत से। तो जी मिला मुलो चंगी तरह। तो जी सोंगी सोंगी खुशबू आना स्टार्ट होगी जब डालते हैं जिसमें हम चॉप करके अदरक एंड लहसुन डाल दो जी। तो जी मिला मुलो भाई 3 टेबल स्पून अदरक नहीं, 3 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक, ठीक है, हाँ चॉप करके, इससे ज्यादा नहीं करीब 30 सेकंड पकाओ हाई फ्लेम पे। तो जी अब डालेंगे इसमें हम 2 मर्चा लाल रंग की, ठीक है जी, मिला दो उसको भी। अब हम इसमें डालेंगे जी प्याज, ठीक है जी, ये 5 प्याज है जी चॉप करके, करीब लगा लो आधा किलो से थोड़ा कम, 400 ग्राम डाल दो सारे सारा। तो जी मिला मुलू लो चंगी तरह से, केवल इसको आप 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लो, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। तो लो दोस्तों आखिरकार हमने इसे पका ही डाल दिया, ठीक है जी। तो ना ज्यादा पिंकिश पिंकिश है, ना ज्यादा ब्राउनिश ब्राउनिश है। तो रख दो जी कड़छी टिका के ऐसे। इसमें डालेंगे जी 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी यानी हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, सौंफ का पाउडर। तो जी इन सबको इज्जत से मिला मुलू लो, ठीक है जी। और इसमें अभी के अभी थोड़ा पानी भी ऐड कर दो, ज्यादा नहीं कम। तो जी मिला मुलू लो चंगी तरह से। इस मसाले को आपने करीब 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक जो तेल है वो ऊपर आए और जो पानी है वो गायब हो जाए। तो जी मसाला आखिर पक ही गया, ठीक है जी। अब क्या करना, डालना जी टमाटर, ये जी 4 टमाटर जी काट कूट के, ठीक है जी, इनको चंगी तरह से मिला मुलू लो। अब इस मौके पे आप थोड़ा सा नमक और मिलाओगे भाई, मैं अभी कह रहा हूँ ध्यान रखना, मैं चेक कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है ना, आप भी चेक करते रहना, नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको हर इंटरवल में नमक मिलाना है। अब ये आखिरी इंटरवल था, इसके बाद हम चेक करते रहेंगे कि नमक कितना कम है कितना ज्यादा है। मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ जी आधा चम्मच भाई जीरे का पाउडर, आधा चम्मच ध्यान रहे इसका, आधा चम्मच, ज्यादा नहीं डालना है। तो जी मिला लो चंगी तरह से,
तो जी अपना जो ये मसाला है जी, दो मिनट पक गया जी, अब करना कुछ नहीं है जी। अब मैंने इसका फ्लेम लो करना है, इस पे ढक्कन रखना है, 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लो इसको, ठीक है जी। तो दोस्तों भाई 15 मिनट हो गए, तो भाई करना क्या, करना कुछ नहीं है, इसको एज इट इज लो फ्लेम पे ही रखो और इसमें सारे का सारा मटर मिला दो विद स्टॉक। तो जी इसको चंगी तरह से मिला मुलू लो। अब आप गैस का फ्लेम हाई करेंगे, तो अभी आप इसकी एक उबाल का वेट करेंगे, ठीक है जी। तो जी हल्की फुल्की उबाल आना स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसमें डाल रहा हूँ जी किचन किंग का मसाला, तो गरम मसाला तो वो भी डाल दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो जी इसे फिर मिला लो चंगा। तो जी अब मौका आ चुका है जी दाल बनाने का, सारे का सारा डाल दो जी, सारे का सारा। अगर कुकर में कोई चिपकू चुपकू है तो वो पानी का के डाल देना, डाल दो जी जो चिपकू चुपका सा है। तो जी अब चंगी तरह से इन सबको मिला लो कि एक उबाल का वेट करेंगे हम। तो जी हल्की फुल्की उबाल आना स्टार्ट हो चुकी है, मैं इस पे फिर डाल रहा हूँ जी एक चम्मच भाई गरम का मसाला, भाई सॉरी गरम मसाला नहीं किचन किंग का मसाला, तो अगर गरम मसाला हो तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है जी। और नमक मैंने अभी चेक किया तो नमक कम था, थोड़ा और नमक, ठीक है नहीं, आप भी चेक करते रहना, ठीक है ना। तो जी मिला लो चंगी तरह से, अगर आपको लगता है कि ग्रेवी जो है, ग्रेवी नहीं दाल अगर गाढ़ी बन रही है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड करना। तो मुझे लगता है कि जितनी दाल गाढ़ी होती है ना उतना ही स्वाद आता है यार, तो मैं पानी और नहीं मिलाऊंगा, मैं इसी को एंजॉय करूंगा, ठीक है। तो अब करना क्या जी, करना कुछ नहीं है जी। अब आपने इसे करीब 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है, ढक्कन बंद कर तब दो जी, ढक्कन बंद। तो दोस्तों 10 नहीं भाई पूरे 15 मिनट हो गए, ओ भाई फर्स्ट क्लास भाई, अब आखिरी कार्रवाई, ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई ये है जी भाई, दोबारा से निक्की जी कढ़ाई लगा दी है जी, इसमें डालो जी देसी घीओ पर भर के भाई, 3-4 टेबल स्पून है ये, डाल दो जी घर का देसी घीओ। तो जी इसमें हम डालेंगे जी एक चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्चा, तो भाई लगाओ जी तड़का है। तो जी चक लो और उड़ेल लो, मुझे बताओ दिख कैसा रहा है, सही नहीं बताओ, ये हरी मिर्ची दिखो हा? ये तो गजब दिख रही है, गजब है, खुशबू क्या ही बताओ मैं आपसे यार, क्या ही बताओ मैं, खुशबू क्या आ रही है यार। भाई साथ में क्या लिया जी, साथ में लिए जी इम्प्रॉपर कटे हुए प्याज और मेरा फेवरेट भाई मिर्च का अचार, ठीक है जी। अब मुद्दा ये है कि भाई टेस्ट में क्या सी है क्या भाई ये, तो भाई पहले हम लेंगे दाल, दाल को लेंगे इज्जत से अपने प्लेट में हाँ भाई, देखो गाढ़ी गाढ़ी दाल हाँ, माई फेवरेट दाल चने की दाल, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे हाँ, देखो टेक्चर देखो अरे हाँ। अब मुद्दा ये है कि टेस्ट कैसा है, बहुत गर्म है, हम गर्मा गर्म ही खाएंगे इसको, आओ भैया थोड़ा और बनता है। जबरानजा 20x पहले ही ब्लास्ट कर दिया इसने। बोलो क्यों, दाल को जुबान पे रखते ही जो टेस्ट आया वो किसका आया, वो मटन का आया, समझे मेरी बात। अब दाल में मटन का फ्लेवर, क्या गजब दिया, क्या फ्लेवर दिया, मैं क्या ही बताऊं, वो जो हमने देसी घी का तड़का लगाया था, बताता हूं देसी घी के तड़के ने भाई 4 चांद लगा दी, मसाले परफेक्ट, किसी भी चीज़ की मुझे कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, अगर होती मैं ज़रूर बोलता, फिलहाल तो भाई कोई नहीं, एकदम परफेक्ट है, एकदम मज़ेदार है, मसाले एकदम परफेक्ट है। तो आओ भाई थोड़ा और बताता हूँ, विस्तार से। देखो मैंने दाल बड़ी गाढ़ी रखी है, बहुत गाढ़ी रखी हुई है, क्यों, स्वाद को एंजॉय करना है, आप चाहो तो पानी मिला के थोड़ा हल्का भी कर सकते हो, मतलब गाढ़ापन, और अगर आप चाहो तो लास्ट में इसमें देसी घी का छोर में, जो देसी का छोर लगाया मैंने जीरे के साथ और हरी मिर्च के साथ, आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी गजब टेस्ट आएगा, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, पर मैंने तो ये किया भाई फार्मूला। और तेज पता गया। अब मुद्दा ये है भाई पीस, कड़ा पीस ट्राई, कोई बढ़िया जहा पीस हाँ,
आ तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। बड़ा लोडेड पीस। ओए ये तो भाई राइफल आ गया जी, लगे हाथ। देखो पहले हम राइफल को फ्री करते हैं। ओए निकल निकल, निक्का जिया नहीं यार। आ भाई इसको मिलाते हैं पहले दाल दूध के साथ। ओए हाँ देखो भर गए यार। भाई गजब गजब, भाई आवाज़ ही बैठ गई। ओए गजब है गजब है। ओ भाई अब उधर टेस्ट है, पर टेस्ट कैसा है देखो है सही नहीं। ओ भाई बताता हूँ क्या हुआ। तो उंगलियाँ चढ़ जा रहा हूँ। अब बताता हूँ क्या हुआ। मीट में तो भाई मीट का फ्लेवर आएगा ही आएगा, वो तो लाजमी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती हो गई है मुझसे। अब गलती बोलूँ या क्या बोलूँ, मुझे मीट को उस तड़के के साथ, जो टमाटर प्याज का मैंने तड़का बनाया था ना, उसके साथ उसको भुनना चाहिए था करीब 10 मिनट के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि गलती हो चुकी है, बट दाल ने वो कवर अप कर लिया हुआ है। किसने? दाल ने, समझे मेरी बात। लेकिन आप कर लेना 10 मिनट, भून लेना उस ग्रेवी के साथ में यार। और बताता हूँ मैं, खैर उस पर ये डालते हैं यार मस्त मस्त, क्योंकि इसी से टेस्ट आ रहा है यार, जो से सच्चाई है ना, यही इसका USP है ये दाल। हाँ आ गए। सच में कह रहा हूँ यार, आज तो मुंह से सिर्फ जबरानजा 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 ही निकलेगा भाई। क्यों 20X जो है, क्या गजब चीज़ बनी है यार। भाई मुद्दा ये है भाई, दाल भी हो गई, मटन भी हो गया। हाँ अब किंग को लिख जाते हैं इज्जत से, जो मेन कैरेक्टर है। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है। आज भी किंग वेरी गुड एंड खिला खिला लग रहा है। देखो 1, 2, 3 और 4 नहीं, थोड़ा सा कमी लगती है, कोई चक्कर नहीं है। तो आ भाई पहले हम लेंगे, अरे हरी मिर्च लेंगे हम, तो हमारे पास मिर्च का अचार पड़ा हुआ है। आ भैया पीस पूस तो बड़ा ही हुआ है भाई, बड़ा गर्म है, बहुत गर्म है अभी। ठहरो एक मिनट। तो आ भाई पहली बाइट। जबरानजा पे जबरानजा, जबरानजा पे जबरानजा, क्या फ्लेवर है किंग ने, क्या फ्लेवर दिया। बट विदाउट एनी डाउट, अगर यहाँ पर तंदूरी रोटी हो या तवे वाला फुलका हो, भाई कसब टेस्ट देगा, वो भी देगा। हाँ 4 गुना ज़्यादा देगा। हाँ किंग तो दे रहा 8 गुना। तो आओ भाई एक और बाइट लेते हैं इज्जत से। भाई मिर्च का अचार ना बहुत टेस्टी है। फैबुलस। मैंने आपसे जैसे कहा कि इसके रेसिपी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आसान तरीके भी हैं, मुश्किल तरीके भी हैं, बट जितना मुश्किल उतना फ्लेवर है, जितना इजी उतना नॉन फ्लेवर है। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मीट और दाल को इकट्ठे बना सकता था मैं, मगर ना ना ऐसे ही ठीक है। क्यों? अलग अलग। हाँ तो भाई दोस्तों आप ये ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से है, एक बार लाची तो मुझे बताना भाई कैसा लगा और कैसा बना। तो अभी तक ले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।